नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम नजर डालेंगे वो बेस्ट फोन्स कौन से हैं जो आप 15,000 रुपए या उससे नीचे में खरीद सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे पहली बार एक इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड का नाम भी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आइए पता लगाते हैं भाई कौन से हैं फोन्स। शुरू करते हैं हम टेक की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो सबसे पहला फोन है दोस्तों लिस्ट में माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स इन नोट 1। एंड ये दोस्तों 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है ये फोन। एंड उसी के साथ साथ आपको हीलियो मीडियाटेक G85 का प्रोसेसर मिलता है। अब प्रोसेसर वाइज अच्छा है फॉर द प्राइस। एंड यहाँ पे दोस्तों एक और अच्छी बात जो मुझे लगी कि जो एंड्रॉयड वर्जन है वो काफ़ी क्लीन है, उसमें कोई भी ब्लोटवेयर्स नहीं है, कोई भी एड्स नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इससे क्या होगा कि जो शाओमी और रियलमी जैसे जो डिवाइसेज हैं उनको काफ़ी हद तक ये फ़ोन टक्कर दे पाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा वो मिलता है, 5000 mAh की बैटरी एंड 18 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज आ रहा है सिर्फ 10,999 रुपए का। काफी इंटरेस्टिंग प्राइस है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस फोन को मैंने अभी तक यूज नहीं किया है। जो स्पेक्स हैं ऑन पेपर बहुत बढ़िया है, लेकिन फोन आने के बाद उसको यूज करने के बाद शायद चीजें बदल सकती है। लेकिन रियली ऑल द बेस्ट माइक्रोमैक्स। एंड देखो क्या है, इंडियन ब्रांड है, अच्छी बात है। इसके साथ साथ क्या है, एक वैल्यूएबल कंपटीशन रहेगा, वो भी एक बढ़िया बात होगी। तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 जब भी मार्केट में आएगा हम इसका रिव्यू करेंगे एंड आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे। वैसे दोस्तों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फोन की तरफ। तो दोस्तों अगले दो फोन हैं लिस्ट में शाओमी और पोको की तरफ से, एकदम एक ही जगह पे हैं बिकॉज दिखते एक जैसे हैं, पोको M2 प्रो एंड रेडमी नोट 9 प्रो। अब ये दोनों फोन दोस्तों नीचे थोड़ा सा इसलिए हैं बिकॉज सबसे पहले तो इसमें आपको जो 90Hz का रिफ्रेश रेट है वो नहीं मिलता है, जो कि आपको रियलमी जैसे डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात है दोस्तों कि अब पोको M2 प्रो में तो चलो आपको थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन रेडमी नोट 9 प्रो में अभी भी आपको जो चार्जिंग है वो इतनी बढ़िया नहीं देखने को मिलती। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन है वो बढ़िया मिलता है, गोरिल्ला ग्लास का डिज़ाइन है। एंड अगर आपको एक ग्लास बॉडी पसंद है तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इसी के अलावा देखो यहाँ पे आपको MIUI 11 भी मिल जाएगा, आगे जाने के बाद अगर अपडेट नहीं आएगा तो आ जाएगा। एंड MIUI 11 दोस्तों काफ़ी फीचर्स रिच UI है, लेकिन हाँ वहाँ पे क्या आपको ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं काफ़ी हद तक। यहाँ पे दोस्तों आप ब्लोटवेयर्स अनइंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हाँ ब्लोटवेयर्स हैं। एड्स आजकल बहुत कम हो गए, ऑन द फेस इतने नहीं है जितने कि पहले आते थे। तो अगर Xiaomi का दोस्तों फोन आप ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आपको पोको का फोन खरीदना है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, तो आप इस पर नज़र डाल सकते हैं। काफ़ी बढ़िया है, बैटरी लाइफ भी बढ़िया है, लेकिन हाँ वो जो हायर रिफ्रेश रेट का जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब अगला फोन है दोस्तों लिस्ट में सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M21। एंड यहाँ पे आपको दोस्तों काफ़ी बढ़िया फोन मिल जाता है फॉर द प्राइस, मतलब लगभग 13,000 रुपए के आसपास दोस्तों इसकी प्राइसिंग है। एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। अब चाहे वो 60Hz का ही हो, 90Hz का नहीं हो, लेकिन मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करूंगा बिकॉज जो ब्लैक लेवल्स हैं काफ़ी बढ़िया हैं। और अगर आप बिंज वॉच करते हैं तो देखो बैटरी के साथ जो स्क्रीन का कॉम्बो है ना काफ़ी मस्त है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट भी है, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा मिलता है फॉर द पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, डायनेमिक रेंज अच्छे हैं। हाँ नाइट फोटोज़ में स्ट्रगल करता है, लेकिन डे लाइट फोटोज़ यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो अगर सैमसंग की तरफ से आपको एक बढ़िया फ़ोन चाहिए जो कि बजट में हो, मतलब इतना ज़्यादा पैसे ना खर्चा करना पड़े, तब दोस्तों आप सैमसंग गैलेक्सी M21 ले सकते हैं। अब इसके बाद सैमसंग का एक और फ़ोन है जो कि फ्लिपकार्ट में है, जो कि हमारा नेक्स्ट फोन है, वो है सैमसंग गैलेक्सी F41। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब मेरी मानो तो 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के लिए अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तब ये थोड़ा सा महंगा है। अगर आपको 48 मेगापिक्सल में दोस्तों ऑलमोस्ट सेम फोटोज देखने को मिल जाएगी, मतलब ज़्यादा फर्क है ही नहीं। एंड आई वुड से अगर 1,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है, ऑफकोर्स हम अपने फ़ोन में केस या कवर चढ़ाते हैं, उसके अलावा भी आपको ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग में फ़र्क नहीं आएगी, तब भी मैं बोलूँगा ठीक है आप F41 खरीद सकते हो अगर आपको फ्लिपकार्ट से फ़ोन खरीदना है। लेकिन अगर आपको अमेजोन से फ़ोन खरीदना है, सैमसंग का फ़ोन चाहिए 15,000 से नीचे, तो वो सैमसंग गैलेक्सी M21 बेटर होगा। बिकॉज देखो सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको दोनों में मिल रहा है, बड़ी बैटरी आपको दोनों में मिल रही है, मैक्रो कैमरा नहीं है F41 में, एंड उसके अलावा चलो यहाँ पे मैक्रो कैमरा है लेकिन वी डोंट यूज इट। तो ये दोस्तों ओवरऑल बोलते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे फोन्स हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस पे जाना है। अब दोस्तों फाइनल फोन की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे एक और नाम है मोटोरोला की तरफ से,
मोटो G9 एंड ये दोस्तों फोन आता है 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर मिलता है। अब देखो एक जमाना था जहां पे स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स को हम प्रेफर करते थे एंड अब थोड़ा सा देखो मामला डिफरेंट हो गया है। स्नैपड्रैगन ने इस पर्टिकुलर सेक्शन में गेमिंग पे इतना फोकस नहीं किया है एंड परफॉर्मेंस वाइज भी दोस्तों मोटो में आपको इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। द ओनली रीजन जिसके लिए आप मोटोरोला का ये फोन खरीद सकते हो वो है स्टॉक एंड्रॉयड एंड अब दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड माइक्रोमैक्स भी लेके आ रहा है। तो मुझे ये देखना है कि माइक्रोमैक्स क्या मोटोरोला से बेटर फोन बना सकता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ। लेकिन अभी क्योंकि माइक्रोमैक्स मार्केट में नहीं है, स्टिल अगर आपको मोटोरोला का फोन लेना है, स्टॉक एंड्रॉयड लेना है, तभी आप इस पर इन्वेस्ट करें, खर्चे करें। लेकिन दोस्तों मैं इतना इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन जो फोन मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करने वाला हूं वो है Realme की तरफ से। जी हाँ, Realme 7। एंड इस फोन में दोस्तों आपको 90 हर्ट्ज का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, बहुत ही बढ़िया बात है। इसी के अलावा आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है जिसके साथ आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। ऑफ कोर्स नार्जो में ज़्यादा बेटर चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग है, लेकिन स्टिल मैं आपको बोलूँगा कि आप Realme 7 ही खरीदें बिकॉज 30 वॉट की चार्जिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड ये फ़ोन मैंने बकायदा लॉन्ग टर्म यूसेज में देखा है एंड अच्छा फ़ोन है। अब देखो Realme का 7i भी है, 6i भी है एंड यहाँ पे 7i मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा, लेकिन हाँ Realme 6i भी आपको एक बेटर ऑप्शन दे देता है। वहाँ पे ऑफकोर्स आपको चार्जिंग स्पीड इतनी नहीं मिलती है, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन आप उस पर भी नज़र डाल सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000 अगर आपको लेना है तो वो Realme हो सकता है। Realme UI आपको यहाँ पे मिलता है, एड्स ऑन द फेस इतने नहीं है, फ्लोटवेयर्स हैं थोड़े बहुत ठीक है, लेकिन काम चला लोगे। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे फ़ोन्स जो आप इस महीने 15,000 रुपये से नीचे खरीद सकते हैं। एंड रियली इस बार माइक्रोमैक्स का नाम है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर फ़ोन को दोस्तों रिव्यू करना चाहूँगा। एंड अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर कुछ डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर फ़ोन को लेकर के तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे अभी तक इसका रिव्यू यूनिट आया नहीं है, कब सेल में जाएगा, कब आएगा, देखते हैं भाई आगे जा करके क्या होगा, बट ऑन पेपर काफ़ी बढ़िया कंपटीशन दे सकता है। तो रियली बेस्ट ऑफ लक माइक्रोमैक्स। एंड बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतने, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।